अजमेर जिले के केकड़ी में भी कृषि उपज मंडी में कारोबार शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप कृषि मंडी में फसलों की खरीद फरोख्त का कार्य शुरू होने से किसानों को राहत मिली है। केकड़ी कृषि मंडी में सोमवार को करीब 5 से 6 हजार क्विंटल के बीच जिन्सों की आवक हुई। कृषि मंडी में माल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हीं काश्तकारों को मंडी में प्रवेश मिला जिन्होंने पहले से मंडी समिति द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस व्यवस्था में मंडी में भीड़ भी नहीं हुई, सिर्फ 127 किसानों के माल को प्रवेश मिला। इसके अलावा मंडी में आने वाले किसानों को सैनिटाइज टनल से होकर प्रवेश दिया गया, साथ ही मेडिकल टीम भी स्वास्थ्य जांच के लिए मौजूद रही। कोरोना से इस जंग में हालांकि लॉकडाउन जारी है, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडियों में व्यापार शुरू करने का निर्णय किया है। इसी के तहत केकड़ी कृषि उपज मंडी में भी व्यापार प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हम खड़े हैं केकड़ी कृषि उपज मंडी में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केकड़ी मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोसनीवाल। उनसे जानते हैं कि किस तरह से मंडी में व्यापार प्रक्रिया शुरू हुई है। कृषि मंडी में व्यापार प्रक्रिया हमने 11 तारीख से स्टार्ट कर दी है और सारी प्रक्रिया मंडी ऑफिस के थ्रू हो रही है। मंडी ऑफिस ने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उन व्हाट्सएप नंबरों पर काश्तकारों को अपना जो उन्होंने डिटेल मांगी है वो डिटेल मंडी ऑफिस को भिजवानी होगी और मंडी ऑफिस उनको वापस डेट देगा कि इस तारीख को आपको माल लेके आना और मैसेज भेजेगा और उसको काश्तकार को जिस मोबाइल पर मैसेज देंगे वो मोबाइल लाना पड़ेगा, वही केकड़ी का गेट पास होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे केकड़ी में जो अभी 2 दिन का व्यापार हुआ है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जिस ढंग से हमने लागू किया सोशल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग, सब हमालों को बुलाकर सर जिसके पास नहीं थे मास्क उसको मास्क अवेलेबल कराए गए हैं, सारी मंडी सैनिटाइज है, मेडिकल टीम लग गई है वहाँ, जो भी खासकर अंदर घुस रहा है, कोई भी हमाल अंदर आ रहा है, कोई भी व्यापारी अंदर आ रहा है तो उसको पहले अपना मेडिकल टेस्ट देके फिर मंडी में आना पड़ता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज मंडी में 5 से 6 हजार बोरी की का जिन्सों का व्यापार आराम से हो जाएगा। वैसे हमने आज 7,500 बोरी के लिए वहाँ भेजा था उनको मैसेज, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1,500 क्विंटल माल कम आया है, वो भी 2 बजे तक बराबर हो सकता है। काश्तकारों में बहुत बड़ा उत्साह है, काश्तकारों को बहुत भयंकर केकड़ी मंडी बहुत भयंकर फसल है। सबसे बड़ी बात यह है कि केकड़ी मंडी में अभी केवल अजमेर जिले का माल ही अलाउ किया गया है क्योंकि जिला प्रशासन ने हमारे दोनों एडजोन जिले पड़ते हैं टोंक और भीलवाड़ा दोनों की वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है। इसलिए सदस्य किसान भाइयों से निवेदन है कि वही मंडी में माल लेके आवे जिनके पास मैसेज पहुंचे। अगर आप बिना मैसेज के माल लाओगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा घर पे। और तो वैसे हमारी मंडी में 8 जिलों का माल आता है, परंतु इस टाइम कोरोना 19 के तहत जो जिला प्रशासन का आदेश है उसके अनुसार केवल हम अभी अजमेर जिले के काश्तकारों का माल बेचेंगे। तो कुल मिलाकर केकड़ी कृषि उपज मंडी में व्यापार शुरू हो गया है, किसान भी यहाँ पहुंचने लगे हैं और धीरे धीरे ये काम रफ्तार पकड़ता जा रहा है और आगे भी बहुत अच्छी किसानों को सुविधाएं मिलने की आशा जताई जा रही है। A1 TV के लिए केकड़ी से JP सोनी। कोरोना वायरस के कहर की मार भीलवाड़ा में किसानों पर भी पड़ रही है, खासतौर से लॉकडाउन के चलते सब्जी भी